नमस्कार मैं हूं डॉक्टर चक्षु अगर आप भी शिलाजीत से फायदा उठाना चाहते हैं और आपने होम्योपैथी की दवा एस्फाल्टम के बारे में सुना है आपको ये पता लग गया है कि भैया ये जो दवा है शिलाजीत से बनी है तो उस दवा को इस्तेमाल करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए बात को समझ लीजिए और जानिए कि ये जो होम्योपैथिक शिलाजीत है ना एस्फाल्टम इसकी क्या सच्चाई है तो अगर आप समझदार हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे तो सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये शिलाजीत होता क्या है शिलाजीत एक रेजन लाइक सब्सटेंस है यानी चिपचिपा पदार्थ है जो कि पहाड़ों में मिलता है पत्थरों के बीच में चट्टानों के बीच में बहुत जरा सा निकला हुआ होता है वहां पे हल्का सा बहता हुआ चिपचिपा सा लटका हुआ सा दिखाई देता है जो जानकार लोग हैं वो अपनी जान पर खेल इस सब्सटेंस को वहां से निकालने का बहुत जद्दोजहद वाला काम करते हैं क्योंकि ये बेहद महंगा बिकता है और सिर्फ चुनिंदा लोग ही इसे सही लोगों तक पहुंचा पाते हैं या बेच पाते हैं ये महंगा इसीलिए बिकता है क्योंकि देखिए मिलावट हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है और हिमालयन शिलाजीत के नाम पर पता नहीं क्या क्या बेचा जाता है तो शिलाजीत इतना फायदेमंद इसीलिए होता है क्योंकि सौ सालों से लेकर हजार साल तक लगते हैं शिलाजीत को बनने के लिए या उससे भी ज़्यादा और जब पहाड़ों में ऐसी जगह जिसे किसी पशु पक्षी या इंसान के द्वारा छुआ ना गया हो वहाँ पर जो वेजिटेशन है यानी जो पेड़ पौधे हैं जब वो मर जाते हैं और वो पहाड़ों में मौजूद मिनरल्स के साथ में मिक्स होते चले जाते हैं सालों से लेयर बाय लेयर बनती चली जाती है तब जो उसकी ताकतवर चीज निकल के आती है जैसा कि सॉयल में फर्टिलाइजर जैसा काम करता है ना वो जो ताकतवर चीज़ है उसे वो रेजिन जैसी होती है चिपचिपी होती है और उसे ही शिलाजीत कहा जाता है अब इस शिलाजीत में ना दो तरह के सब्सटेंस होते हैं एक होता है फ्यूमेक और किसी काम की नहीं है। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं शिलाजीत के असली फायदों के ऊपर भाई देखिए रिसर्च प्रूवन फायदे कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे पहला फायदा है कि शिलाजीत रेगुलर लेने से लोगों का क्रोनिक फटीक सिंड्रोम इंप्रूव हो जाता है एक रिसर्च हुई जिसमें लगभग 50 सब्जेक्ट्स को लिया गया और ये वो सब्जेक्ट्स थे जिन्हें ऑलरेडी कई बार मल्टीवाइटामिन दवाइयां एंटीऑक्सीडेंट्स दे दिए जा चुके थे लेकिन उनकी थकान संबंधी परेशानी इंप्रूव नहीं हो रही थी थकान कौन सी शारीरिक थकान अंदर से महसूस होने वाली थकान कि सब कुछ ठीक है सारे रिपोर्ट्स ठीक है लेकिन उसके बावजूद थकान खत्म नहीं हो रही है शरीर में दर्द रहता है पर रहने की इच्छा करती है कोई काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती ऐसे लोगों को जब पचास लोगों को शिलाजीत रेगुलर दिया गया तो पाया गया उस इसे रेगुलर लेने से क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम में उन्हें काफ़ी आराम आया अब दूसरा बेनिफिट यहां पे मिलता है उन लोगों में जो कि लो टेस्टोस्ट्रॉन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं भाई देखिए अगर आप लो से जूझ रहे हैं ना तो एक रिसर्च हुई जिसमें बेसिकली दो ग्रुप में पेशेंट्स को बांटा गया 21 लोगों का एक ग्रुप था और 21 लोगों का दूसरा ग्रुप था पहले ग्रुप को दी गई शिलाजीत तो और दूसरे को दिया गया प्लस तो पाया गया कि जब अपना डेली रूटीन करने में वो लोग शिलाजीत रेगुलर लेते थे तो कुछ समय के बाद उनके टेस्टोस्ट्रोन लेवल्स में लगभग 15 परसेंट की बढ़ोतरी पाई गई जबकि जो लोग पैसे ले रहे थे उनके टेस्टोस्ट्रोन लेवल्स ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहे पांच परसेंट का एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट कुछ लोगों में देखा गया सब में नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिलाजीत लेने से टेस्टोस्ट्रोन लेवल्स इंप्रूव होते हैं अब जो तीसरे यहां पर बेनिफिट मिलेगा वो है तो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में अब रिसर्चर्स ने माना कि अगर किसी पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स राजीत लेने से इंप्रूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्पर्म काउंट्स में भी बढ़ोतरी जरूर मिलेगी अब इस मुद्दे के ऊपर मुझे कोई रिसर्च नहीं मिली लेकिन मैक्सिमम सभी जगह जहां ऑथेंटिक लिटरेचर है वहां मेंशन है कि भाई जब टेस्टोस्ट्रॉन रेगुलरली पेशेंट का इंप्रूव करता है और जो रिसर्च पंद्रह परसेंट टेस्टोस्ट्रॉन बढ़ाने की बात करती है अगर उसको आप ध्यान में रखें तो इतना परसेंट इंक्रीज होने से पेशेंट के स्पर्म काउंट पे भी फर्क जरूर पड़ेगा अगर वो एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं तो अब जो चौथा फायदा यहां पर मिलता है वो है न्यूरो न्यूरोहेंसर के तौर पर तो जिन लोगों को जो लोग दिमागी तौर पर ज्यादा थक गए हैं चीजें भूलने लग जाते हैं पार्किसन या एल्जाइमर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं अगर असली शिलाजीत उनको मिल जाता है तो इससे जो उनकी बीमारी है वो इंप्रूव हो या ना हो लेकिन उनकी कंडीशन एक तरह से स्टेबल हो जाती है और कहीं ना कहीं डिले हो जाती है तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी नसों को इंप्रूव करने का एक बहुत शानदार काम शिलाजीत कर सकती है और इससे आपकी नसों में अंदरूनी ताकत मिल सकती है आपका ब्रेन इंप्रूव हो सकता है कॉग्नेटिव फंक्शंस जो आपके ब्रेन के हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं अब पांचवा फायदा रिसर्च प्रूवन है रिसर्च प्रूवन इसलिए है क्योंकि यह रिसर्च लगभग सौ से ज्यादा लोगों में करी गई जो कि माल एब्जॉर्ब सिंड्रोम से जूझ रहे थे यानी सब कुछ खाने के बाद भी शरीर में कुछ नहीं लग रहा था और ऐसे लोगों को शिलाजीत देने से सिर्फ शिलाजीत देने से उन लोगों की भूख इंप्रूव होने लग गई नॉर्मल जो खाना पहले खा रहे थे जो शरीर में नहीं लग पा रहा था वेट नहीं बढ़ रहा था चीजें इंप्रूव नहीं कर रही थी शारीरिक ताकत और मर्दाना ताकत भी इंप्रूव नहीं हो रही थी सिर्फ शिलाजीत को

कुछ लोगों ने एस्फाल्टम क्यू के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है बहुत सारे पॉइंटर्स और फायदे लोगों को गिनाए हैं बताया है कैसे इस्तेमाल करना है एंड आई रियली अप्रिशिएट दम लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस बात के ऊपर कि क्या उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सही भी है मैंने थोड़ी सी जांच पड़ताल करी उसके बाद ही इस वीडियो को बनाया ताकि आप तक सच्चाई पहुंचाई जा सके भाई देखिए मैं कैसे विश्वास करूं कि एस्पाल्टम नाम की दवा इतना फायदा करती है मैंने कहीं तो पढ़ी होगी कोई तो लिटरेचर लिया होगा कोई तो सोर्स लिया होगा मैंने बहुत सारी खोजबीन करी लेकिन बहुत दुख की बात है कि मुझे एस्पाल्टम के ऊपर होम्योपैथी में बनी किसी दवा का कोई लिटरेचर कोई प्रूविंग किसी भी तरह का क्लिनिकल वेरिफिकेशन कुछ भी सोर्स प्राप्त नहीं हुआ यानी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ ट्रायल तो हमारे यहाँ होते ही नहीं है हमारे यहाँ प्रूविंग्स होती हैं एंड क्लिनिकल वेरिफिकेशन होता है तो होम्योपैथी में आप क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं बोलते हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लिनिकल वेरिफिकेशन एंड ड्रग प्रूविंग तो ये इन दोनों के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई भी लिटरेचर प्राप्त नहीं हुआ कोई रिसर्च बेस्ड एविडेंस नहीं मिला पहली बात अब मैं चर्चा करूंगा स्पेसिफिकली मैंने कहाँ कहाँ खोजा देखिए जब भी होम्योपैथी में कोई भी कंपनी कोई भी दवा बनाती है तो उस दवाई को बनाने के लिए कौन सा पार्ट यूज़ करना है कब वो पार्ट लेना है किस तरह से दवा बनानी है दवा कैसे स्टोर करी जाएगी इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन एक गवर्नमेंट रिकोगनाइज बुक के अंदर मैंशनड है जो कि रेगुलरली अपडेट होती है दो के लास्ट अपडेट जो आया था इस बुक का उस बुक को बोलते हैं होम्योपैथिक फार्मोकॉपी ऑफ इंडिया इसी तरह आयुर्वेद की भी आती है इसी तरह यूनानी की भी आती है तो सबकी एक फार्मोकोपिया होती है तो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के दो के एडिशन में कहीं भी एस्फाल्टम नाम की किसी भी दवा का कोई भी मेंशन नहीं है एक हजार से ऊपर दवाइयां वहां पे मैंशनड है लेकिन वहां पर इस दवाई के बारे में कोई चर्चा नहीं करी गई है कोई इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है कि भैया दवा कैसे बनाई जाएगी कहां से ली जाएगी क्या करा जाएगा कहां स्टोर करी जाएगी कोई चर्चा नहीं की गई है तो बहुत बड़ा सवाल था कि कैसे विश्वास करें भैया ये होम्योपैथी की दवा है भी कि नहीं है फिर मैंने बड़ा ढूंढा कि भाई कुछ अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है इस दवा को बना रहे हो मैंने एस की साइट खोली मैंने शोबे की वेबसाइट खोली मैंने डॉक्टर रेकवेक की वेबसाइट खोली और बहुत अच्छी इंडियन कंपनीज हैं कुछ और उनकी भी वेबसाइट खोली पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंपनी जो कि अच्छी मानी जाती है बाय डॉक्टर्स होम्योपैथी के अंदर उसकी किसी भी कंपनी के अंदर मेरे को एसफाल्टम नाम की दवा नहीं मिली एक और बड़ा सवाल लग गया कि भाई बहुत अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो भी दवा नहीं बना रहे हैं तो भाई ये दवा आई कहाँ से क्यों लोगों को इस दवाई के बारे में बताया जा रहा है क्यों बहकाया जा रहा है कि उन्हें ये दवा लेनी चाहिए ठीक अब तीसरा सोर्स जो यहाँ पर बेहद जरूरी है वो है डिजिटल सोर्स कि भाई ठीक है हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली अब डिजिटल सोर्स जो है ना वो हमारे कुछ होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें से जो सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर माना जाता है वो रडार ओपस है जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ उसमें भी हजारों बुक्स हैं बहुत सारी रिपोर्टरीज हैं, बहुत सारे थेरापटिक्स हैं बहुत सारे जर्नल्स हैं तो अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो ना आप बस सर्च करो और आपको उस चीज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैक्सिमम सोर्सेस जहां पे भी अवेलेबल है वो वहां पर मिलेगी एक डिजिटल लाइब्रेरी है होम्योपैथी की है, हम लोगों के बहुत काम आती है वहां पर ढूंढा कहीं नहीं मिली मुश्किल से दो लाइन मिली जहां पे इस के बारे में कोई बात नहीं करी गई थी वहां पर एस्पाल्टम लाइक सब्सटेंस के बारे में बात करी गई करी गई थी जिसकी कोई दवा नहीं बनी है वो दवा के एक्शन के बारे में बताया गया था राइट तो अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया अब जब मैंने वीडियोज देखी तो वहां पे एक दवाई की कंपनी के बारे में बात करी गई जो कि सेंट जॉर्ज होम्योपैथी के नाम से प्रचलित है अब ये सेंट की, वेबसाइट के उपर, एस्फाल्टम 6C नाम की जो दवा है वो थर्टी एम की जो अवेलेबल है वो एक रुपए में मिल रही है बहुत बड़ा सवाल कि भाई शिलाजीत से बनी दवा है तो कहीं ना कहीं शिलाजीत कोई ना कोई तो प्योर सोर्स लिया होगा और बनाने से पहले कुछ क्वांटिटी भी ली गई, ली गई होगी फिर सिक्स पोटेंसी बनाई गई है तो एक प्रोसेस है अब सिक्स पोटेंसी थर्टी एम में उपलब्ध है एक सौ की दवा है सेंट जॉर्ज दवा बना रही है कोई और कंपनी नहीं बना रही है ये क्या मसला है बहुत बड़ा क्वेश्चन तो देखिए अब ये जो मैंने बात आपसे डिस्कस करी आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं इस दवाई के बारे में यूट्यूब के ऊपर झूठ फैलाया जा रहा है अब अगर कोई होम्योपैथी के जानकार हैं कुछ उस, उस कंपनी में काम करते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑथेंटिक लिटरेचर मुझे प्रोवाइड करवा पाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपका है जरूर वहां पर लिंक शेयर करिए मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा क्योंकि देखिए मैं दो दिन से कोशिश कर रहा हूं मुझे इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं की हुई जो कि ऑथेंटिक हो तो एट द एंड ऑफ द डे मैं इस वीडियो में क्या कहना चाहता हूं ध्यान से समझिए कि देखिए भैया शिलाजीत नो डाउट रिसर्च प्रूवन है कि बहुत फायदे की चीज है ऑथेंटिक मिले ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है मिलेगी भी नहीं मिलेगी कहाँ से मिलेगी जो है वो सही है गलत है नहीं पता लेकिन आप कुछ लाजीत बेची जा रही है आप खरीद भी रहे हैं इस्तेमाल भी कर रहे हैं फायदा नहीं हो रहा फिर कह रहे हैं भैया ये बेकार की चीज़ है अब होम्योपैथी की बात करें तो देखो जी होम्योपैथी में बहुत सारे सोर्सेस से दवाई बनाई जाती है लेकिन ऑथेंटिक सोर्स ऑथेंटिक लिटरेचर पढ़ समझकर या उसके बारे में जानकारी लेकर ही लोगों को जानकारी दी जाए तो ज्यादा बेहतर है इसे एथिकल बोला जाता है लेकिन कुछ लोग अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप उन पर विश्वास करें या ना करें वो आपका कॉल है पर अगर ऐसी कोई जानकारी दी जा रही है तो उसके ऊपर विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है तो मैं कहूंगा कि देखिए मुझे इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ऐसी कोई दवा मार्केट में मौजूद है या वो दवा फायदेमंद है तो अगर आप शिलाजीत से बनी दवा इस के ऊपर जाना चाहते हैं निवेदन है ये इस तरह की दवा फायदा करेगी या नहीं मैं नहीं जानता कृपया इसे कंज्यूम ना करें इससे कहीं बेहतर दवाइयां होम्योपैथी में उपलब्ध हैं उसके लिए आप एक अच्छे चिकित्सक को दिखाएं डिस्कशन करें हो सकता है उन दवाइयों से आपको कहीं बेहतर परिणाम मिले तो अगर बातें जो मैंने आपको बताई जो बिल्कुल स्पष्ट थी क्लियर कट थी टू द पॉइंट थी आपके फायदे की थी आपको समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन आपका है जरूर छोड़ें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से नमस्कार थैंक यू एंड जय हिंद